मंगोलपुरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने विधायक राखी बिड़लान के ऑफिस पर आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि लोगों ने समय रहते इस शख्स को रोक लिया। आम आदमी पार्टी के इस वॉलेंटियर की शिकायत थी कि सक्रिय कार्यकर्ताओं को छोड़कर नए चेहरों को टिकट दिया गया, जिससे पार्टी वॉलेंटियर्स में हताशा का माहौल है। जब अपनी शिकायत लेकर सुरेंद्र सेठी नाम का यह शख्स मंगोलपुरी से विधायक राखी बिड़लान के पास पहुंचा, तो उन्हें फिर से निराशा ही हाथ लगी। 4 साल से हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपना तन मन धन सब कुछ दांव पे लगा रखा है, अपना रोजी रोटी सब कुछ दांव पे लगा रखा है, लेकिन क्या पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा? एक 13 लेडीजों ने नामांकन भरा, हमारी जो कार्यकर्ता है 13 कार्यकर्ता में से किसी एक को दे देते, ये नहीं कि मुझे चाहिए, 13 में से आप किसी को दे देते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, कोई ऐतराज नहीं था। जो ये नई लेडीज आई है, हमें उसका नाम भी नहीं पता, शकल भी नहीं जानते, कौन है, क्या है, क्या नाम है उसका? कृष्णा जाटव, 54 वार्ड से, जो पहले 46 वार्ड था, 54 वार्ड हो गया है। आपने भी दावेदारी करी थी? मैंने दावेदारी करी थी सब कुछ, क्योंकि मेरे को बोला गया था कि सेठी भाई आप तैयारी करो, आपको टिकट मिलेगी। हमने सारा सब कुछ मीटिंगें कराई, सब कुछ किया, मतलब जो एक वॉलेंटियर एक कार्यकर्ता करता है। पर्चे भरने के बाद भी उसका नाम ऊपर से आता है और उसको टिकट दे दी जाती है, तो हमने ये पूछा था हमारी विधायिका जी से कि इसे टिकट कैसे दे दी गई उन 13 नामों से अलग, तो क्या पैसे के दम पे दी गई है, किस आधार पे उसे टिकट दी गई है? सिर्फ हमने ये पूछने के लिए हम अपनी विधायिका से गए थे और हमने पूछा, विधायिका जी क्या ये टिकट कट सकती है? क्या जी मुझे नहीं पता, ये पार्टी का है, ऊपर से है, तो जब हमारी विधायिका जब बैठी तो किस चीज का सर्वे हुआ, क्या पार्टी ने क्या देखा उस लेडीज में, वो जो 4 साल से जो कार्यकर्ता वॉलंटियर जो पीस रहे हैं, अब उसको हमने सिर्फ इतना ही पूछा था कि उसकी टिकट कट सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता, तो हम क्या करें, अगर उसकी टिकट नहीं कटी तो हम आत्महत्या कर लेंगे सब। तो हमारी विधायिका कहती है आप आत्महत्या करो, कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है। फिलहाल राखी बिड़लान ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। अब मंगोलपुरी थाना पुलिस इस वॉलेंटियर के बयान लेकर जांच कर रही है, पर आम आदमी पार्टी के लिए इस तरह का कलह नगर निगम चुनाव में बड़ी नुकसानदेही साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।